आज एयरपोर्ट थाने पर विजयदास महाराज ने बताया कि सुपर कॉरिडोर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर स्थित भूमि पर उनका बीते कई वर्षों से कब्जा है। इस जमीन पर उनके ही शिष्य और कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं। मंगलवार को गुरु पूर्णिमा के मौके पर वे वहां भक्तों से मिलने आए थे। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें पीटा। वहीं महाराज ने यह भी आरोप लगाया कि इस मामले में पुलिस भी गंभीर नहीं दिख रही है। बहरहाल इस मामले में पुलिस अब जांच की बात कर रही है। भारतीय न्यूज के लिए इंदौर से दीपक छाबड़ा की रिपोर्ट। ये महीने भर से चल रहा है। मैंने एक भतीजा चेला रघुनाथ दास को वहाँ रखा था एक साल पहले। तो आज में गुरु पूर्णिमा थी, वहाँ पूजा करने गया तो उसके भाई आया और मेरे को लात मारा पीछे से दारू पी के। उसकी बहन है उसने मारा और उसके पिताजी उसने मारा। मैंने साधु को दिया था, ये परिवार को पूरा स्थान पे लिया है। विवाद का वजह क्या है? विवाद का वजह गुरु पूर्णिमा मनाने गया तो बोले आप यहाँ नहीं आना, बोले आप कौन होते हो, जबकि मेरा स्थान में आया। मेरे को 30 सालों में मेरा जमीन आइडिया की मेरा कब्जा 30 साल से है वहाँ पे। तो मैं वहाँ उज्जैन में आश्रम बना रहा हूँ, यहाँ भी मेरे भगत लोग में गया तो इसके भाई ने दारू पी के मारा, बाप ने मारा और ये सब लक्ष्मणदास जी का संरक्षण है। विवाद ये करेगा आप मत आओ, आपका कोई काम नहीं हो जाता। फिर रघुनाथ दास है, एक सत्यनारायण राठी है, वो लक्ष्मणदास जी के सानिध्य में हो रहा है सब। वो झूठी झूठी बातें करते और मेरे को रोज प्रताप करते और आज इन्होंने गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजन के टाइम मेरे को लात मारी। इसके भाई ने, इसके बहन ने मारी और इसके भाई और रघुनाथ दास ने मारा, इसके पिताजी ने मारा। और यहाँ थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रहे हैं, बोलते दोनों को 151 कर दो। ठीक है, ऐसा भी नहीं सुनते, हमारा मामला नहीं बोले। संत समाज आक्रोशी है, योगेश्वर दास जी, यजत्र दास जी, सब जितने भी महात्मा मध्य प्रदेश आक्रोशी थे वो सब मेरे साथ में। मैं महंत हूँ और प्लस कोतवाल हूँ इंदौर मंडल का। निमंत्रण देना लाना ले जाना मेरा इसलिए व्यस्त था, कारण मैं इसको वहाँ पे देख रेख के लिए रखा था। लेकिन मैंने ये नहीं बोला था कि परिवार को ले आना, बाप को ले आना, भाई को ले आना। भाई इसका दारू पीता है, उसने मार कूट के और भगा दिया और दो पुलिस वाले के सामने इसकी बहन ने मारा है, प्रमोद एड साहब और जितेन पुलिस वाले, उनके सामने इसकी बहन ने मारा। मैं पुलिस अगर सुनवाई नहीं करेगी तो आप क्या करेंगे? मैं पुलिस प्रशासन नहीं करेगी तो मैं जाऊंगा डीजी को बोलूंगा, भोपाल ले कमलनाथ जी को बोलूंगा, मेरे सुनवाई नहीं होगी तो मैं आगे भी जाऊंगा। और ये लोग जो लक्ष्मणदास जी के संरक्षण में कर रहे हैं, सब दूर कब्जा कर रहे हैं और ये लोग गुड्डे बदमाश को रोज मारकूट कर रहे हैं मेरे साथ।